मैं ऐलान करता हूं कि 12:12 पर और काक भुला गए। अरे बेकू मैं भूला हूँ, कल दिन में 12:12 पे गुलाब सिंह और शांति का फांसी लगने वाला है। मैं ऐलान करता हूँ कि कल 12 बजे दिन में अही तरह भूला गए। कितना बार भूला जाएगा? अच्छा याद आ गया। मैं ऐलान करता हूँ कि 12:12 पर कल दिन में खतरी पार में मिलान आने वाली है। अरे हरम जादी, एक बार कहने के बाद नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कल दिन में 12:12 पे गुलाब सिंह और शांति का फांसी लगने वाला है। बोलो बोलो। मैं 12:12 पर कल दिन में गुलाब सिंह का और शांति का फांसी लगने वाली है। क्या ऐलान कर रहे हो? काबा ही रहा। अरे मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ। तो भगवान ने आँख या कान ना दे दे। मैं सुन नहीं पाया, दौड़ते हुए आ रहा हूँ। फिर से ऐलान करो। तेरी बाप का नौकर है कि हर दम ऐलान करके सुनाई तो नौके। अरे एक बार और सुना दो। अच्छा ला सुना देते। मैं ऐलान करता हूँ कि 12:12 पर गुलाब सिंह का और शांति का फांसी लगने वाली है। सुन हला, कल 12 बजे दिन में 12:12 में फांसी लगी। ठीक है आएंगे। तू वही बा आके देख लिया कैसा फांसी लगत है। हो गया? हाँ। क्या लेकर आए? क्या आए? ठीक है दरबारी, नंबर लगाइए आप। टाइम देखो बनी हो गया। दरबारी टाइम देखो, अब है 1 मिनट बाकी। जब नंबर 3 बोलूंगी फांसी खींचना। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अरे ये कौन है? यही तो फूल सिंह है। यही फूल सिंह है? हाँ महारानी। ये हराम ज्यादा दरबरी है, हम लोग के साथ बहुत खात किया, तुझे नहीं छोड़ूंगी, बच जाऊंगी तुम। कमाल देखा। बहुत बढ़िया।
कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है मुझे? लग रहा है मेरे भाई को दिखाई नहीं दे रहा। कौन है भाई? पहले मैं इनकी आंखें ठीक करता हूँ। जो मुझे जंगल में नयन ज्योति काजल मिला, शायद उसको लगाने से भैया की भी आंख ठीक हो जाए। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए भैया। मैं अपनी आंखें धीरे धीरे खोलू? हाँ भैया, आपको दिखाई देगा सब। भैया इधर देखिए भैया। हाँ भैया, मैं आपका फूल। तू? हाँ भैया। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं भैया नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। तू? मैं आपका फूल। तू आ गया अपने भाई? हाँ भैया मैं आ गया। सच्ची तू मेरे सामने आ गया? हाँ भैया मैं आपके सामने खड़ा मेरा फूल आ गया। ऐसा मत कहिए भैया, आपका भाई आपके सामने खड़ा है मेरे भाई। मैं आपसे कहा था ना भैया कि एक दिन ऐसा आएगा बहुत पछताएंगे। हाँ बुढ़ा, मैं महाराज की बात तो बयान कर, मैंने तुझे बहुत भारी सजा दिया बुढ़ा। मैं माफी माफी के काबिल नहीं हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरे भाई। ऐसे मत कहिए भैया, आपको तो सच्चाई मालूम नहीं थी इसलिए आप मुझे सजा दिया। परंतु एक बात कहिए भैया। कहो ना। हम लोग के ऊपर दरबारी का बहुत बड़ा एहसान है भैया। क्या तू कह रहे हो मुन्ना? हाँ भैया, अगर दरबारी मुझे जंगल में नहीं छोड़ा होता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता भाई। अरे तू कह रहा कि इतना बड़ा काम कर दिया मेरे साथ? हम जानते हैं बाबू कि तुम्हारे में हजारों नहीं हरे सब बहुत बेहिसाब रहे। ये हम जान गए कि नहीं ये झूठे लक्षणा लगा के आज बाबू के पिटवावत है, मगर हम तो हुकुम के दलिदर हैं। आप लोग जैसे कहो वैसे ही ना हम करो। मैं जानता हूँ मेरे भाई तुम्हारी भी मजबूरियां थी। अपन जान के बाबू छोड़ ले इनके। एक काम करो मेरे भाई। हाँ भैया। भी मेरे दिल में ठंडक कब तक नहीं चौपड़ी बना, कब तक नहीं चौपड़ी, जब तक ओ नाग और नागिन को अपने हाथों से तुम मारेगा नहीं तब तक। ठीक है भैया, मैं भी यही सोच रहा था कि कब वो दोनों नाग नागिन का फन अपने पहले से बुझ लो। तो ठीक है मुन्ना, शुभ काम तेरे लिए किया जाता है, उन्हें बुलाओ और अपने हाथों से सजा दो। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा हो। बार बार जब तो लोग फनवा कुचल लिया तो हमको दे दिया लोग, क्या करेगा तू?
मोहिचा से उन्हें कहो पूछा फला मत ईटा से पूछेगा हां पहले जाओ बहुत तकलीफ भई हम लोग की मंत्री करण सिंह को पकड़ पकड़ाओ जल्दी जाओ क्यों मंत्री करण सिंह पहचान रहे मुझे दरबारी एक काम करो सदरी निकालो ये इसके लायक नहीं है मंत्री करण सिंह मेरे भाभी के साथ में मिलकर क्या तूने खेल खेला तेरी औकात है इस सिंहासन पर बैठने की सही है महाराज मेरे टुकड़ों पर पलने वाले राजमंत्री सिंहासन मेरे भाभी के साथ में मिल करके भैया का आंख फड़वा दिया तू इतनी औका दरबारी खड़ा करो पहले एक देखी जैसे मैं घुसो ना चार पाव पनिया में पसर गया वैसे ही पसर ही गया खड़ा करो इसे खड़ा सबसे जबरदस्त रानी पहले मारा आज तक ले तो बहुत बर्दाश्त होत रहल खाली तोहर की उठू में गिरो में पड़ल नहीं खाली दरबारी हिंटर पकड़ 50 कोड़े लगाओ गिन करके अगर एक भी कोड़ा कम हुआ तो मैं 100 कोड़े मारूंगा तुझे बोला मंत्री जी क्या है दरबारी अब ना प्यार करवा तुमसे मैं प्यार कर हमसे नहीं अब उसे महारानी से ना प्यार करवा एकदम उल्लू हो गया उल्लू पूरा हम गुल्लू बनाई बाजे तेरी पर अब जान जी वैसे बात मत कर जो काम दिया गया वो करो करत है क्या है हाथ ऊपर कर ये जवाब घर के मारे तबे सही रही एक ठंडा ही निकला था ठीक हाथ पकड़ हाथ इतनी तलवार के मत मारो इसे एक काम करो खंजर उठाओ और इसे डायरेक्ट मार दो दरबारी मैं नंबर लगा रहा हूँ और इसे मार दो नंबर एक नंबर दो क्या कर रहा है तलवरिया